अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी स्पाइडरमैन फैन है और अगर तुम्हें सुपर हीरोज पसंद है तो ये स्टोरी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये बिल्कुल भी मिस मत करना। कहानी शुरू होती है जब स्पाइडी हॉस्पिटल में घुसता है चिल्लाता हुआ, मुझे डॉक्टर चाहिए। उसके हाथ में खून में लथपथ बेहोश बच्चा होता है। उसके पीछे गोली लगी थी और सारे डॉक्टर्स उसे संभालते हैं, पर पीटर बहुत दुखी था। वो घर जाता है और वहाँ भी अकेला अंधेरे रूम में जाकर बैठ जाता है। जब मैरी जेन वहां आकर उससे पूछती है तो वो बोलता है कि मेरी वजह से आज एक बच्चे को गोली लग गई। मैं बस कुछ चोरों को बैंक लूटने से रोक रहा था, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। मेरी स्पाइडर सेंस बजने लगी जब एक चोर ने मुझ पर बंदूक तानी। मैं उसे आसानी से डॉज कर लेता, लेकिन एक बेवकूफ बच्चा हीरो बनने की कोशिश में उस चोर को धक्का देता है, पर उसका एक साथी उसी टाइम उस बच्चे के पीछे गोली मार देता है। दुनिया भर की स्पीड और मैं कुछ नहीं कर पाया, और अब वो मासूम बच्चा मेरी वजह से मर रहा है। एमजे उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन पीटर बोलता है कि क्या ये काफी नहीं है कि मुझे अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अब मुझे उस बच्चे जैसे बेवकूफ लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं साबित हूँ एमजे, मैं कहीं भी जाऊँ उस बच्चे की तरह कोई ना कोई मेरी वजह से तड़पेगा ही। पीटर उस रात सो नहीं पाता और वो उस बच्चे के पास हॉस्पिटल में बैठा हुआ बोलता है कि बच्चे, क्या तुम भूल गए थे कि तुम्हारे पास मेरी तरह पावर्स नहीं है। मुझे तुम्हारी जगह होना चाहिए था, लेकिन मेरी सेंस ने मुझे बचा लिया। पर तुम्हारे पास क्या है, बस साहस किसी अनजान की मदद करने का, अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए। सब सही बोलते हैं, हर अच्छे काम का नतीजा बुरा ही होता है। और वो बच्चा बस वहाँ बेहोश था, तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि वो वहीं था जब ये सब कुछ हुआ, तो उसके पिता स्पाइडरमैन पे गुस्सा निकालते हैं और बोलते हैं कि स्पाइडरमैन को उनके बेटे की जगह होना चाहिए था। और पीटर पूरे दिल से उनकी बात मानता है और वहां से चला जाता है। कई घंटों बाद वो बच्चा होश में आता है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो पीटर से अकेले में मिलना चाहता है। पीटर को समझ नहीं पाता और वो अंदर जाता है, तो वो बच्चा उसे बताता है कि वो जानता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वरना कौन उसके साथ रात यहाँ रुकता। पीटर अपनी गलती बताता है, पर वो बच्चा नकार देता है। वो अपने हॉस्पिटल बेड से बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था जब मैं 6 साल का था। एक छोटी लड़की बस से टकराने वाली थी, पर तुम झूलते हुए आए और उसे बचा लिया, और उसके बाद मेरे लिए सब बदल गया। मैं जब भी किसी परेशानी में होता तो मैं ये सोचता कि स्पाइडरमैन यहाँ होता तो वो क्या करता। मैंने इसी टॉपिक पे एक कॉमिक भी लिखी थी जब मैं 11 साल का था। पीटर अपनी गर्दन झुकाते हुए बोलता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मेरे पास पावर्स हैं, पर मैं कोई आइडल नहीं बन सकता। वो बच्चा खड़ा होते हुए बोलता है कि ये झूठ है, ऐसा मत बोलो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था, इतने विलन जिनसे तुम लड़े, जो गुस्सा तुमने झेला दुनिया का, पर अंत में तुम ना भी जीतते फिर भी तुम वापस खड़े हुए और झूलते हुए सबकी मदद करने आए। अगर इसे हीरो होना नहीं कहते तो फिर मुझे नहीं पता। उसके शब्द कट जाते हैं जैसे ही वो बिस्तर पे वापस गिरता है। उसकी धड़कन थमने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ देता है और वो मर जाता है। उसे दफनाने के बाद जब उसके पेरेंट्स को पीटर दूर खड़ा दिखता है तो वो उसके पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके बेटे ने उसको अंदर आने से पहले बताया था कि पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज खींचता है, तो वो स्पाइडरमैन को टॉमी की लिखी कॉमिक दे सकता है और पीटर एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ से जाने से पहले टॉमी के पिता के आखिरी शब्द थे कि स्पाइडरमैन को बता देना कि खुद को ब्लेम ना करे। और पीटर उस कॉमिक की तरफ देखता है जिसमें लिखा था कि स्पाइडरमैन सबसे महान हीरो है जो हमेशा सही का साथ देता है। वो कभी फिक्र नहीं करता कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। वो हमेशा परफेक्ट और स्मार्ट नहीं होता, पर स्पाइडी को पता है कि मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल की सुनता हूँ। अगर वो कभी गिरता भी है तो वो वापस खड़ा होता है। तो जब मैं दुखी होता हूँ या मुझे पता नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, स्पाइडरमैन होता तो वो क्या करता। और तो ये कहानी शुरू होती है जब हमें एक कचरे के डब्बे में एक जवान लड़की की बॉडी दिखाई जाती है। अगले पैनल में ब्लैक कैट अपने घर में किसी से बात कर रही होती है कि कोई ट्रिसिया नाम की लड़की न्यूयॉर्क में गायब हो गई है, तो उसका पता लगाना है कि वो कहां गई, कॉल क्यों नहीं कर रही है। तो ब्लैक कैट यानी फिलिसिया सोचती है कि ये स्पाइडरमैन से मिलने का भी एक अच्छा मौका है। इधर स्पाइडरमैन एक गुंडे से पूछताछ कर रहा था कि क्या उसने स्कूल के एक बच्चे को ड्रग्स बेचे हैं, क्योंकि वो बच्चा मर चुका है। और वो बताता है कि उसने कुछ नहीं
नहीं दिया, पर वो एक रिच बंदा है जिसे यंग लड़के पसंद है, तो वो डोनाल्ड को उसके पास ले गया था। और इधर फिलिसिया भी जिस लड़की को ढूंढ रही थी वो भी एक रिच एक्टर से कनेक्टेड थी। स्पाइडी उस एक्टर को ढूंढ लेता है, पर फिलिसिया भी पीछे से स्पाइडी को देखती है और वो उसे लेकर एक्टर के घर के अंदर कूद जाती है खिड़की से। और अंदर कूदने के बाद जैसे ही दोनों जोर से उन लड़के और लड़की का नाम चिल्लाते हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे थे, तो एक्टर के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। पीटर समझ जाता है कि उसका तुक्का सही जगह लगा है। वो एक्टर को धमकाता है तो एक्टर बोलता है कि मैंने नहीं, उसने ज्यादा डोज दिया था उन्हें। पर वो कुछ और बोलता है, उससे पहले ही उसके मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं मर जाता है। पीटर बोलता है कि मैं उन्हें देख रहा था, उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं किए थे अभी तो। पर तभी जो लड़की एक्टर के साथ थी वो भी वहीं पर गिर जाती है। और तभी वहां पर एक कॉल आता है। कॉल पर बंदा बोलता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें इतना ज्यादा डोज दे रहा हूँ ड्रग्स का कि वो किसी को कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। और मेरा नाम है ब्राउनस्टोन। किसी को पता नहीं चलता कि वो ड्रग्स वो दे कैसे रहा था और वो था कौन। पीटर ब्लैक कैट से बोलता है कि तुम तो भाग गई थी ना, तुम्हें तो स्पाइडरमैन पसंद था, पीटर पार्कर नहीं। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे टाइम ही कहां दिया, शायद मैं समझ जाती पर तुम्हें तो मेरी जेन पसंद थी। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और फिलिसिया उसे अपने होटल बुलाती है। वो जा ही रहे थे कि उन्हें दिखता है एक अटैक। स्कॉर्पियो जो कि फीमेल स्कॉर्पियन थी, तो उसे रोकने के लिए वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं। उसे रोकना कोई मुश्किल काम नहीं था इन दोनों के लिए, लेकिन इस फाइट के दौरान इन दोनों के बीच रोमांस बढ़ जाता है और ब्लैक कैट बिना मास्क हटाए उसे सबके सामने किस कर लेती है। पर जिस पार्टी में स्कॉर्पियो घुसी थी उसका स्टार गैरिसन उन दोनों को पकड़ के उनसे वही अमीरों वाली मीठी मीठी बातें करता है। पर उसकी आवाज सुनते ही पीटर को शक हो जाता है कि ये वही मिस्टर ब्राउनस्टोन है जो इतने सारे लोगों को ड्रग्स से मार रहा है। तो वो जेल में स्कॉर्पियो के पास जाते हैं। स्कॉर्पियो फिलिसिया की आवाज सुनते ही बोलती है कि उस कैट लेडी को बोलो कि जैसे ही मैं जेल से बाहर आई वो मरेगी। तो पीटर बोलता है कि स्कॉर्पियो बोल रही है कि कोई औरत तुम्हारे जितने बड़े चेस्ट लेकर इतना फास्ट मूव कर ही नहीं सकती। तो फिलिसिया बोलती है कि ना, ये तो मेरे बैलेंस के काम में आते हैं। पर फिर ब्लैक कैट गाने लगती है और तंग आके स्कॉर्पियो उन्हें बता देती है कि उसे किसने हायर किया था। पर वो बंदा ब्राउनस्टोन उनसे पहले उन गुंडों के पास पहुंच जाता है और वो उनकी पूरी फैमिली को वहीं मार देता है ड्रग ओवरडोज से बिना हाथ लगाए। और जब पीटर और फिलिसिया वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की लाश पे रोता हुआ। फिलिसिया अपने होटल में बोलती है कि इसीलिए मैंने ये कॉस्ट्यूम पहनना छोड़ दिया था। ये सुपर हीरोज और सुपर विलेन तो मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन ये आम इंसान जो आतंक लाते हैं दुनिया पे, किसी की जिंदगी मिनटों में बर्बाद करना, वो भी ड्रग्स जैसी चीजों के लिए, ये सबसे ज्यादा डरावना है। पर पीटर बोलता है कि कम से कम बच्चा तो बच गया। और वो सोचती है कि मुझे पता है तुम भी यही बोलना चाहते हो, पर मुझसे अलग तुम हमेशा होप ढूंढ ही लेते हो हर प्रॉब्लम में। पीटर बोलता है कि हमें जल्दी से कोई सॉलिड प्रूफ ढूंढना होगा कि वही बंदा ब्राउनस्टोन है और उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। फिलिसिया बोलती है कि हम कॉस्ट्यूम इसलिए नहीं पहनते कि जज हमें वारंट देंगे कुछ भी करने का, हम एक्ट करते हैं इसीलिए जाने बचती हैं। लेकिन पीटर बोलता है कि वो सही है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि वही ब्राउनस्टोन है, यहाँ तक कि ट्रिसिया की बॉडी तक नहीं मिली है। फिलिसिया गुस्सा हो जाती है कि भाड़ में जाए तुम्हारे रूल्स, मुझे पता है वो मेरी बेस्ट लीड है और मैं ये करूंगी, तुम साथ दो या मत दो। पीटर फिलिसिया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है और पीटर उसे मारना नहीं चाहता था, तो वो पीटर को उसके ही जाल में बांध देती है। पीटर बोलता है कि वो खतरनाक हो सकता है। फिलिसिया बोलती है कि मैंने जिंदगी में बहुत खतरनाक चीजें देखी हैं, मेरे डैड क्रिमिनल थे और मैं ऑलमोस्ट 30 की होने वाली हूँ, मुझसे डेंजरस नहीं होगा वो। वो उस बंदे के बेडरूम में कूद जाती है और वो उसी का वेट कर रहा था। वो फिलिसिया को दारू ऑफर करता है पर वो उससे क्वेश्चन पूछने लगती है जो वो टालने लग जाता है। फिलिसिया सीधे सीधे पूछ लेती है कि तूने ही ट्रिसिया को मारा है ना। ब्राउनस्टोन बोलता है कि मेरी माँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दिन वो मुझ पे चिल्ला रही थी बिना रुके और मैं सोच रहा था कि काश उनका मुंह बंद हो जाए, पर अचानक मेरे मुंह में रखा माउथ वॉश गायब हो जाता है और मेरी माँ फ्लोर पे मरी हुई गिर जाती है। और तभी ब्लैक कैट को कुछ होने लगता है, वो दर्द से बेड पे गिर जाती है। वो बोलता है कि तुझे पता है डॉक्टर्स को क्या मिला, उसके हार्ट में माउथ वॉश जम गया था जिसने उसे मारा। तो अब मेरे पास उतनी पावर्स तो नहीं उस टाइम की तरह, पर अभी भी मैंने जो हीरोइन हाथ में रखी थी वो तेरे अंदर टेलीपोर्ट कर दी। मेरे म्यूटेंट जीन की वजह से मैं कोई भी थोड़ा सा लिक्विड किसी की भी बॉडी में भेज सकता हूँ। तो हाँ, मैंने ही उन सबको मारा है इसी तरह। और वो धीरे धीरे ब्लैक कैट के कपड़े काटने लगता है। फिलिसिया मन ही मन चिल्लाती रहती है कि नहीं, मुझे लड़ना होगा, पर वो ड्रग उसके पूरे नर्वस सिस्टम को बंद कर चुका था।
ब्लैक कैट जिंदा तो थी, हर एक चीज महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और ब्राउन स्टोन बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हीरोइन सेक्स से बेटर होता है, अब तू मुझे बताना कि क्या ये सच है। और वो नशे में बेहोश फिलिसिया का रेप करता है। फिलिसिया यानी ब्लैक कैट राइकर साइलेंट की जेल में बंद थी अकेली। तभी उसे बुलावा आता है, उसे एक रूम में बुलाया जाता है, जहां एक बंदा शांति से उससे बोलता है कि डीए का ऑफिस तुम्हें चार्ज कर रहा है गैरिसन के मर्डर के लिए, क्योंकि तुम उन्हें हैवी ड्रग लिए उसकी बॉडी के नीचे दबी हुई मिली थी, उसी के खून में नहाई हुई। हमें उस बंदे के लाल चश्मे दिखते हैं। वो बोलता है कि मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि तुम एक गेस्ट बनकर आई हुई थी, और जैसी सिचुएशन में तुम मिली हो, चाहे तुमने रेप के बारे में मना कर दिया हो, फिर भी तुम्हारी फिजिकल जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि सेक्सुअल असॉल्ट के केस की वजह से तुम सेल्फ डिफेंस के केस में खुद को बचा पाओ। पर फिलिसिया मना कर देती है कि रेप की कोई बात नहीं होगी, मेरा रेप नहीं हुआ है। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस हार्डी, मुझे पता है ये टॉपिक सेंसिटिव है तुम्हारे लिए, पर सच से जान बच जाएगी तुम्हारी। तो फिलिसिया बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी रेप हुआ है, कभी कोई तुम्हारे शरीर पर चढ़ा है, कोई ऐसा जो ये सब इसलिए नहीं कर रहा है कि वो तुम्हें चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें दर्द देना चाहता है, वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेने के लिए, एक एक चीज जो तुम्हें खुद के लिए अच्छी लगती है वो तुम्हें अंदर से तोड़ देना चाहता है, और उस कमीने ने कुछ भी किया हो लेकिन मुझे तोड़ा नहीं है, तो उसने मेरा रेप नहीं किया, और मैं ये चाहती जरूर थी पर मैंने उसे मारा नहीं है, तो मुझे खुद को बचाने का तरीका बताना बंद करो। तो वो लॉयर बोलता है कि सॉरी, अब केस का वेट करते हैं, और फिर वो बताता है कि मेरा नाम मैट मर्डॉक है। इधर मैट मर्डॉक का सीक्रेट बाहर आ चुका था, तो सब उसके ऑफिस के बाहर शोर मचा रहे थे कि क्या तुम सच में डेविल हो, ब्लैक विडो तुम्हारी लवर है, क्या तुम गे हो। तभी फॉगी नेल्सन बोलता है कि कोई टीचर तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहा है, और अंदर था पीटर पार्कर। मैट अंदर घुसते ही बोलता है कि उसने मर्डर नहीं किया है, पर वो बोल रही है कि क्लम ने उसका रेप भी नहीं किया है, जो दो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। पहली, वो जेल से बाहर कैसे निकलेगी, और दूसरी, वो सच को ठुकरा रही है। पीटर बोलता है कि वो वहाँ अकेली है और क्लम को हेट कर रही है। मैट बोलता है कि वो क्लम को नहीं, किसी और को हेट कर रही है जिसे हम नहीं जानते, पर तुम उससे मिलने मत जाना अगर अपना सीक्रेट बचाना है तो। पर पीटर बोलता है कि हमें उसे जेल से छुड़ाना होगा। मैट चिल्लाता है कि पूरी दुनिया सोचती है कि मैं डेयर डेविल हूं और मुझे उन्हें कन्विंस नहीं करना। पर फिर पीटर उसे उसके अतीत के काले कांड याद दिलाने लगता है, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। डेयर डेविल पीटर की बात मान लेता है। दोनों फिलिसिया को बचाने जाते हैं रात में, पर वहां उन दोनों को बस गार्ड्स की लाशें मिलती हैं, और फिलिसिया क्लम के साथ फ्रांसिस के हाथ में थी। पीटर और डेयर डेविल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिलिसिया बोलती है कि उन दोनों के साथ ऐसा मत करो, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, पर वो मना कर देता है। तो वो बोलती है कि कम से कम यहाँ से चलो, और वो एक धमाके के साथ वहाँ से गायब हो जाता है, डेयर डेविल और स्पाइडी को फ्लोर पे छोड़कर। डेयर डेविल होश में आते ही दूसरे गार्ड्स के आने से पहले ही पीटर को बचा लेता है। पर कमाल की बात तो ये थी कि वहाँ पे कोई गार्ड मरा ही नहीं था, पर किसी की भी हार्ट बीट भी नहीं थी, दोनों कंफ्यूज थे। फिर हमें उस फ्रांसिस का बचपन दिखाया जाता है कि कैसे वो बुली होता था, और उसका बड़ा भाई हमेशा उसे बचाता था, और उसका बड़ा भाई और कोई नहीं बल्कि गैरिसन क्लम ही था। पर गैरिसन कोई अच्छा आदमी नहीं था। बुली से बचाने के बाद बंद दरवाजे के पीछे वो अपने भाई फ्रांसिस से जबरदस्ती कुछ ऐसा करवाता था जो भाइयों को नहीं करना चाहिए। वो ये सब कुछ ब्लैक कैट को बता रहा था जेल से बाहर टेलीपोर्ट होने के बाद, और वो उसे उसकी कॉस्ट्यूम तक दे देता है। इधर स्पाइडी और डेयर डेविल टेलीपोर्टेशन की ही बात कर रहे थे कि टेलीपोर्टेशन का म्यूटेंट नाइट क्रॉलर वहाँ आ जाता है। इधर फ्रांसिस बताता है कि जब गैरिसन जबरदस्ती मेरी मॉम की लाश दिखा रहा था मुझे, तब वहाँ से गायब होने की इच्छा की वजह से ही मैं पहली बार टेलीपोर्ट कर पाया। उसके बाद जब गैरिसन एक प्रोफेशनल को लाया मेरी वर्जिनिटी तोड़वाने, तो मैंने उसे बोला कि मुझे बस एक ही तरीका आता है जो गैरिसन ने मेरे साथ किया था। तो लड़की डर जाती है कि नहीं, मैं वो सब नहीं करती, पर मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था। और तब मुझे अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स के बारे में पता चला। तो बेसिकली बचपन से गैरिसन फ्रांसिस को सेक्सुअली असॉल्ट करता था, तो तुम समझ ही सकते हो कि फ्रांसिस कैसे करना चाहता था। और गैरिसन ने मेरी एबिलिटीज का इस्तेमाल किया अमीर बनने में, पर उसने कभी भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, और मेरी पावर्स उस पर कभी काम नहीं की। और इसीलिए उस रात जब वो तुम्हारे साथ था, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो गैरिसन की बॉडी के अंदर टेलीपोर्ट करके उसको आगे से फाड़ दिया। इधर नाइट क्रॉलर बताता है कि म्यूटेंट्स के अलावा कुछ लोग और थे जिन पे नाजीज ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो बच्चों पे सक्सेसफुल भी हुआ था, जिनसे उन्हें ऐसी पावर्स मिल सकती हैं जैसी गैरिसन और फ्रांसिस के पास हैं।
इधर नाइट क्रॉलर बताता है कि हमारी स्पेशल मशीन से एमा ने म्यूटेंट एक्टिविटी डिटेक्ट की थी, तो वो अभी शहर में हो सकता है। इधर ब्लैक कैट फ्रांसिस को समझाने की कोशिश करती है कि हमें पुलिस को सब सच बता देना चाहिए, मैं उनको तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगी, तुम अगर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फ्रांसिस बोलता है कि तुम नहीं समझ सकती जो चीजें मैंने बचपन से सही हैं। तो फिलिसिया बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ फ्रांसिस, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। उसके फ्रेशमैन ईयर में एक बंदा था जिसने उसे दूसरे स्टूडेंट से बचाया था, हमेशा उसकी केयर की, वो बिल्कुल परफेक्ट था, या फिर मैं अंधी थी, पर एक दिन वो एंजल डेविल में बदल गया और उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया मेरी लाइफ बदल गई। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने खुद को अकेला किया और मैंने ट्रेनिंग की ताकि उससे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का बदला ले पाऊं, पर यूनिवर्स ये नहीं चाहता था, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। और फिर मैंने खुद को एक रेप्ड विक्टिम में से ब्लैक कैट में चेंज कर लिया, और फिर मैंने कभी खुद की हेल्प नहीं की जिससे मुझे लोगों पे भरोसा करने में बहुत टाइम लग गया, पर आखिरकार मुझे स्पाइडरमैन मिला और हम तब से दोस्त हैं और कभी कभी दोस्त से भी ज्यादा। पर इतने सालों में ये सच मैंने उसे भी नहीं बताया, बस तुम्हें बताया। तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। हम दोनों पुलिस के पास जाएंगे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उनको बताएंगे, और ये भी कि कैसे तुमने मुझे भी बचाया। वो अपना मास्क उतार के बोलती है कि हम सर्वाइवर्स हैं फ्रांसिस, और हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी सबके सामने अगर हमें अच्छा होना है तो। फ्रांसिस मना करता रहता है और ब्लैक कैट उसे समझाती रहती है, पर तभी डेयरडेविल और स्पाइडी वहां आ जाते हैं। डेयरडेविल ब्लैक कैट को बचाता है और स्पाइडी फ्रांसिस को मारने लगता है। उसके दिमाग में ग्वेन के सीन्स चल रहे थे कि अब वो किसी भी अपने के साथ वो नहीं होने देगा, क्योंकि ब्लैक कैट और फ्रांसिस दोनों सेम ब्रिज पर खड़े थे जहां ग्वेन मरी थी। पर फ्रांसिस ब्लैक कैट का मास्क टेलीपोर्ट करके पीटर की गर्दन के अंदर पहुंचा देता है। पीटर तड़पने लगता है, डेयरडेविल उसे बचाने के लिए डॉक्टर को लेने भागता है। फ्रांसिस ब्लैक कैट पे चिल्लाने लगता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाकर उसे मारने की कोशिश की, वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर गन तान देता है कि वो झूठ बोल रही है। पर पीटर अपना जाल गन पे फेंकता है, ब्लास्ट के प्रेशर से वो ब्रिज से पानी में गिरने वाला होता है। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं पर वो हवा में ही टेलीपोर्ट हो जाता है। पीटर एंड में बच जाता है और उसका फिलिसिया से बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पर इधर फ्रांसिस भी बच गया था और वो किंग पिन से मिलता है। उसके पूरे चेहरे पे बैंडेज बंधी हुई थी और उसकी एक टांग टूट गई थी। वो बोलता है कि मिस्टर फिस्क, तुम मुझे कॉस्ट्यूम तो दो, मैं स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट दोनों को मार के रहूंगा। फिस्क बोलता है कि वैसे भी ये कॉस्ट्यूम तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, इसका पुराना ओनर बस ट्रिक्स करता था, तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं था और तुम पे ये नाम भी जचेगा। और फिर फ्रांसिस क्लम बनता है मिस्टीरियो। तो पीटर एक कॉफी शॉप में बैठा था और अपनी आंट मे को अपने एक सपने के बारे में बता रहा था। आंट मे, उस समय मैं जेल में था उन सब हत्यारों, क्रिमिनल्स और विलेंस के साथ जिन्हें मैंने पकड़ा था, और मैं जानता था कि मैं कितनी भी बार उन्हें जेल में डालूं वो वापस आ ही जाएंगे, पर यहाँ मैं कभी नहीं जानता कि मैं जेल की किस तरफ हूँ। मुझे कभी नहीं पता चला कि मैं वहाँ कैदी हूँ या नहीं, तो मैं उन बार्स पर चढ़ने लगता सच का पता लगाने को, लेकिन वो बार्स कभी खत्म ही नहीं होती। उन पर चढ़ते चढ़ते मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगता, मुझे पता नहीं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे, और ये सपना मुझे रोज आता है। अंत में आपको पता है अंत में मैंने वल्चर को कितनी बार कैद किया है, जितनी बार मेरी लड़ाई के बीच में वेब्स खत्म नहीं होती, लेकिन किसी न किसी तरह वो हमेशा वापस आ जाता है। पर इस बार वल्चर को रोकना मेरे हाथ में नहीं था, वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था, उसके पास गन थी और वल्चर के पास कुछ नहीं था। मैंने सोचा वो पुलिस वाला वल्चर को रोक लेगा, पर उसने वल्चर को जाने दिया, और जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसके जवाब ने मुझे तोड़ दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारा काम है, वही शब्द जो मैंने बोले थे और जिसकी वजह से अंकल बेन मारे गए थे। मैंने सोचा था कि अगर मैं सारे बुरे लोगों को रोक दूं तो सब अच्छा होगा, लेकिन ये वापस आते ही जाते हैं और फिर से वही मौतें और तबाही फैलाने लगते हैं। मैं कोई बदलाव नहीं लाया हूँ। तभी आंट में उसकी ओर देखते हुए बोलती हैं, पीटर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम हमारे पीछे कोई लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। तुम्हारे अंकल बेन को भी लगता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम आज कैसे हीरो में बदल गए हो उनकी मौत की वजह से, तो उन्हें वो मौत भी कबूल होती। वो अपनी जान खुशी खुशी दे देते कि उनकी वजह से स्पाइडरमैन का जन्म हुआ, और मैं भी दे देती पीटर, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है, किसी और सुपर हीरो की नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की। तुम्हें इस दुनिया को तुम्हारा
सच बता देना चाहिए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर मे को अखबार दिखाते हुए बोलता है कि ये है इस शहर की सोच मेरे बारे में, मैंने उन्हें सच बताया और आप और मेरी जेन दोनों पे खतरा आ जाएगा, मेरे दुश्मन किलर्स हैं। आंट मे आराम से बोलती हैं कि तुम्हारी कहानियाँ जिंदगियाँ बदलेंगी पीटर, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, परिवार ताकत को बढ़ाता है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अखबार क्या बोलेगा ये चिंता मत करो, लोगों को पता चलने दो कि जो कीमत तुमने चुकाई है उसकी वजह से वो कितने आराम में हैं। आजाद हो जाओ अपने बंधनों से। और पीटर स्पाइडरमैन बन के डेली ब्यूगल पे जाता है, वो वहाँ जेमिसन को बताता है कि वो जेमिसन के न्यूज़पेपर के सामने अपने आप को अनमास्क करेगा। पर उसके एक दिन पहले जेमिसन को अपने फ्रंट पेज पर स्पाइडी को अपनी स्टोरी बताने का चांस देना होगा। जेमिसन काफी सोचता है पर स्पाइडी के मनाने पर वो मान जाता है क्योंकि उसका तो फायदा ही था। तो ये है पीटर की कहानी उसकी जुबानी। न्यूयॉर्क, मैं कल अपने आप को अनमास्क करूंगा क्योंकि मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला है। तो पहली बात तो ये कि मैं इसी शहर से हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। दीवारें चढ़ने से पहले मैं सबकी ओर देखता था, हर किसी से ईर्ष्या करता था, हर कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल था, हर कोई ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे ज्यादा जिंदगी जी रहा है। जेमिसन, गलत है कि मैं तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, पर वो सही है कि मेरी वजह से जाने गई हैं। उन लोगों की जिनसे मैं प्यार करता हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे हीरो बनने का कोई हक नहीं है, पर कुछ तो है जो मुझे ये छोड़ने नहीं देता। मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था, मैं बस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें और मेरी लाइफ में भी वैसी ही खुशियां हो जो मैं दूसरों के साथ बांट सकूं। अभी मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जो मैं किसी को भी जीने को बोलूंगा। मेरी लाइफ ना हीरोइक थी ना हीरोइक है। जब वो जिंदा थे, जब मैंने इन पावर्स का मतलब भी नहीं समझा था, तब उन्होंने बताया था कि कैसे महान ताकतों के साथ महान जिम्मेदारियां भी आती हैं। और मैं अब वही जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चीज में बेस्ट नहीं हूँ, ये मेरी जॉब नहीं है। हमारे रक्षक, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो अपनी जान दांव पे लगाता है बिना पावर्स के, वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं पावर्स होते हुए भी मौत के करीब होता हूँ। जब मैंने एक चोर को नहीं रोका तो वो किलर बन गया। मेरी गलती थी कि मैंने ये नहीं देखा कि ये पावर्स मिलने से पहले भी अच्छा बनना और दूसरों के लिए अच्छा काम करना मेरी जॉब थी और आप सबकी भी है। बस पावर वाले इंसान हीरोज नहीं होते, बिना पावर्स के भी अच्छा काम करने वाले इंसान हीरो होते हैं। कल से जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उनकी जान पर भी खतरा आ जाएगा जब मैं अनमास्क होऊंगा, पर तब तक मेरी कहानी सबके सामने आना जरूरी थी। और ऐसे ही स्पाइडरमैन ने यहाँ पर पूरे 2 पेज की कहानी बताई सबको, उसकी कहानी जो सबको समझा दी कि वो और कोई नहीं, गलती करने वाला, फीलिंग्स वाला उनका ही पड़ोसी दोस्त है। अगली रात वो एमजे के साथ अपने बेड पे सोया तो इस बार उसकी नींद नहीं खुली। हफ्तों में पहली बार उसे वो सपना नहीं आया। मेरी जेन उसके लिए खुश थी कि उसका सच बताना उसके लिए काम कर गया। इधर जेमिसन खुश था कि आज तो स्पाइडी अनमास्क होगा। स्पाइडी झूलता हुआ भीड़ के बीच में जाता है जहां फोटोग्राफर्स खड़े थे उसे पकड़ने को, पर तभी स्पाइडी को बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहने घेर लेते हैं और सब लोग अपना मास्क उतारते हुए अपना नाम चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ स्पाइडरमैन। पीटर भी अपना मास्क उतारते हुए बोलता है मैं हूँ पीटर और मैं हूँ स्पाइडरमैन। जेमिसन चिल्लाता है कि मैं अपने ही काम करने वालों की बेवकूफी नहीं सुनूंगा, पीटर चुपचाप अपने काम पे आ जा। और पीटर खुशी से रोते हुए बोलता है कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। और तभी आखिरी आवाज आती है उसी ऑफिसर की जिसने पीटर को दुखी किया था और वो बोलता है मैं हूँ स्पाइडरमैन। आंट में पीटर, एमजे सब खुश थे। पीटर और एमजे अपने रूम में जाते हैं सेलिब्रेट करने को। एटलीस्ट एमजे को तो ऐसा लगा था क्योंकि पीटर तो सच में अच्छी नींद का सेलिब्रेशन करना चाहता था, दूसरा नहीं। तो ये थी कहानी कि क्यों स्पाइडरमैन हम सब में से एक है और कैसे हम भी उसके जैसे बन सकते हैं, और यही वजह है कि वो मेरा फेवरेट है। तो बात है अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 500 की। तुम्हें कोई पास्ट जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि स्पाइडरमैन टाइम में खो चुका है और उसके दिमाग में यही चल रहा है, मैं टाइम के बीच में फंस चुका हूँ, मेरे भविष्य और मेरे अतीत के बीच, और मैं एक पल में सब कुछ बदल सकता हूँ, और सवाल बस इतना सा है कि मैं किस हद तक जाने को तैयार हूँ।
मैं अपने 17 साल के पल को देख रहा हूँ जब वो मकड़ी मेरे हाथ पे गिरी थी, और मैं अपने बुढ़ापे को देख रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, मेरी शुरुआत और मेरा अंत। मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं उस मकड़ी को अपने जाले से दूर फेंक सकता हूँ, फिर मुझे ये पावर्स कभी नहीं मिलेंगी और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा, और मेरी वजह से अंकल बेन भी नहीं मरेंगे, या मैं अपने भविष्य को बचा सकता हूँ, उसका अंत टाल के पता लगा सकता हूँ कि चल क्या रहा है। ओल्ड स्पाइडरमैन अब स्लो था और उसके सामने खड़े सोल्जर्स उसे अपने टैक्स से मार सकते थे। वो जानता था कि वो नहीं बच सकता, तो वो आंट मे की कब्र की तरफ देखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका पास्ट सेल्फ वहीं छुपा है। तुम कुछ नहीं बदल सकते, बस याद रखना कि तुमने यहाँ क्या देखा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, वरना तुम चीजें और खराब कर दोगे। ये इसी तरह बेहतर है मेरे लिए और MJ के लिए भी, और बेहतर है हमारे बेटे के लिए। उसका नाम बेन है। हमने अच्छी जिंदगी जी, हमने अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी, और MJ ने हमें कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना चला गया हो, और कुछ मायने नहीं रखता। और वो स्पाइडी उन ऑफिसर्स पर कूद जाता है उनकी गोलियों से बचते हुए, और चिल्लाते हुए बोलता है, MJ को बताना कि तुम उससे प्यार करते हो, हर रात हर सुबह उसको ये बताना, और प्यार से आराम से उसे ये एहसास कराना कि एक ना एक दिन सबको जाना है, हम में से किसी को कोई फ्री पास नहीं मिलेगा। मायने ये रखता है कि जब तुम जाओ तो तुम लड़ते हुए जाओ और अच्छाई के साथ जाओ। तभी उस स्पाइडी जिसके कपड़े तक फट गए थे लड़ते लड़ते, उस पर चलती है गोली जो उसका सीना चीर देती है, और ये होते हैं उसके आखिरी शब्द, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते तो कोशिश भी मत करना। पर फिर स्पाइडी अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देखता है, अपना हाथ आगे बढ़ाए वेब सूट करने को। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं इसे रोक सकता हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकता हूँ। माना कि बेन को मेरी वजह से मरना नहीं होगा, पर फिर कितने लोगों को मरना होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना अंकल बेन। और यहाँ स्पाइडी अपने आप को मकड़ी से काटते हुए भी देख लेता है, पर ये टॉर्चर यहाँ ही खत्म नहीं होता। पीटर को इस टाइम से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंज की आवाज को फॉलो करना था, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका था। तो वो जब उसे फॉलो करता है तो वो अपने और भी पास्ट इवेंट्स को दोबारा एक्सपीरियंस करता है, जैसे जब वो एक पानी की टंकी में डूब रहा था और उसकी बॉडी में एनर्जी तक नहीं बची थी अपने आप को बचा के वहाँ से निकलने की, या जब वो डॉक्टर कॉनर्स को नहीं बचा पा रहा था चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, या फिर जब बेटी का भाई शूट आउट में मारा गया था और उसका ब्लेम भी स्पाइडी पे ही लगा था, या फिर जब पीटर एक बिल्डिंग के नीचे दबने वाला था और अगर वो उस मलबे को उठा के नहीं निकल पाता तो आंट में मारी जाती, क्योंकि उनको बचाने की दवा उसके पास थी। और तभी आता है उसका सबसे बड़ा रेग्रेट, ग्वेन की डेथ, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। तो स्पाइडी टूट जाता है और बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उन सब चीजों की तरफ देख रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है, और ये सब बस नॉन स्टॉप फाइटिंग, वायलेंस और लोगों की मौत है, उन लोगों की जिनकी मैं परवाह करता था। तो स्ट्रेंज आवाज बोलती है, हम सबको नहीं बचा सकते, सबसे बड़ा गिफ्ट अगर किसी को मिल सकता है तो वो है एक मौका कुछ बदलाव लाने का, और तुम इतने बदलाव ला चुके हो कि कई सैकड़ों जीवन के लिए काफी है। और स्पाइडी ये समझते हुए कि गिव अप करने को बहुत देर हो गई है, उठकर वहाँ से बाहर निकलता है। एक तरफ है पनिशर जो किसी को भी मारने से पहले दो बार भी नहीं सोचता, और एक तरफ है स्पाइडरमैन जो कभी किसी के खून से अपने हाथ लाल नहीं करना चाहता। पर क्या हो जब पनिशर स्पाइडरमैन को गुस्सा दिला दे तो? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक न्यूज़पेपर से। पनिशर ने कुछ लोगों को मारने के लिए वेब्स का यूज किया, और अब वो पुलिस से छुपता फिर रहा था। वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि उसमें कोई है तो नहीं। तभी आवाज आती है, मैं बहुत कुछ झेल सकता हूँ, मैं तेरा एजी डिप्रेशन ड्रामा भी झेल सकता हूँ, मैं तेरे मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता वाली लाइन भी भूल जाऊँ, पर तूने मेरे वेब सूटर्स का यूज किया बिल्डिंग में घुसने के लिए, तूने मेरी बनाई चीज का यूज किया लोगों को मारने के लिए, और आज मैं तुझे बता देता हूँ, फ्रैंक दोस्त मित्र, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। और स्पाइडरमैन उसे एक पंच मार के खून निकाल देता है। अब फ्रैंक, अब मुझे लगता है कि तू एक साइको है जिसे जेल में डाल देना चाहिए जब तक उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ ना आ जाए। अब मुझे नहीं पता कि तूने उन लोगों को मारा है कि नहीं, मतलब तू पुलिस वालों को वैसे तो जाने देता है, पर क्योंकि तू एक पागल है तो शायद तूने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली हो, और या फिर उनमें से किसी ने तेरा मजाक उड़ाया हो। वो कुछ भी हो, पर अब ये तेरा मौत का खेल यहीं खत्म होता है। तू खत्म फ्रैंक, तेरी कहानी यहीं खत्म। मैं खत्म हो जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा बच्चे।
इतना कहकर पनिशर कांच को सूट करके खुद को स्पाइडी के वेब से आजाद कर लेता है। स्पाइडरमैन आसानी से उसकी गन लेके उसे डॉज करने लगता है। देख, इसीलिए तू मुझे पसंद नहीं है, तू एक बेचारा लूजर है। तू अकेला नहीं है जिसने अपनों को खोया है, तूने बस उस चीज को एक एक्सक्यूज बना लिया है मर्डर करने के लिए, और अब इस चीज को खत्म होना होगा। ये कहानी बहुत लंबी चल चुकी है। फ्रैंक अपना खून पोंछता है और बोलता है, मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता बच्चे। स्पाइडी बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोली तूने। फ्रैंक उसको मुंह पे पंच मारता है, लेकिन स्पाइडरमैन हिलता भी नहीं। पर तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे दर्द दे सके। मैं तुझसे तेज हूँ, मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और तुझसे अलग मुझे पता है कि कब अपनी कहानी खत्म करनी होती है। फ्रैंक उसे छू भी नहीं पाता और स्पाइडरमैन बोलता है, तू सुन रहा है? अच्छी बात है, तो सुन, अब हम क्या करेंगे? पुलिस वाले तुझे जेल में बंद कर देंगे। और तभी पीटर की मकड़ी घंटी बजती है और ब्लास्ट होता है उसके पीछे, क्योंकि पनिशर ने ग्रेनेड फेंक दिया था। पीटर चिल्लाता है, धोखेबाज, और पनिशर उसे लात मार देता है। मैं तुझे दर्द नहीं देना चाहता, पर तू मुझे चांस ही नहीं दे रहा। और पनिशर वहां से भाग जाता है। अब ये कहानी है पनिशर वार जोन से। अब यहाँ पनिशर चीट करके तो भाग गया, पर यहाँ हम वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं जो डेयर डेविल और पनिशर के आर्गुमेंट में हमने सुना था, कि क्या क्रिमिनल्स को मारना सही है या उन्हें जेल में डालना सही है। Redemption, Frank. It's real. And it's possible. The people you murdered deserve another chance. What, to kill again, rape again? Is that what you want? No, Frank. To try again, Frank. To try. तुम एक क्रिमिनल को मारोगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, पर तुम एक को जेल में डालोगे, वो वापस बाहर आ जाएगा। तो सही चॉइस क्या है? और शायद इसका जवाब है कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। बस फर्क इतना है कि जिस रास्ते पर स्पाइडरमैन और डेयर डेविल चलते हैं, वो रास्ता तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। उन दोनों ने अपनों को खोया है, उन दोनों ने खुद से लड़ाई की है। उनको भी बिल्कुल हमारे ही जैसे डेली कई प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके रिश्ते ठीक से नहीं चलते, उन्हें भी कभी कभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। जैसे ये एक सीन है स्पाइडरमैन कॉमिक से जो मेरे लिए सबसे रिलेटेबल है और सबसे ज्यादा सैड सीन में से भी एक है। इसमें स्पाइडरमैन दिन भर विलन से लड़ रहा था, उसका सूट फट गया था और शरीर टूट चुका था। तब भी जैसे ही उसने सूट चेंज किया, एक नई मुश्किल आ गई, और बस लड़ते लड़ते लोगों की जान बचाते बचाते रात हो गई। वो पूरे दिन लड़ रहा था, ना उसे कुछ खाने का मौका मिला था, ना कुछ पीने का, पर वो फाइट छोड़ के नहीं जा सकता था। तो वो बोलता है, क्या ये मैं जाने दे सकता हूँ? क्या मैं किसी और को इस प्रॉब्लम से लड़ने दे सकता हूँ ताकि मैं एक पल के लिए आराम कर सकूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, पर काश ये पॉसिबल होता। भगवान, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि सालों से मैं आपका फेवरेट खिलौना रहा हूँ, पर कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप प्लीज ये नहीं करोगे? ज्यादा देर के लिए नहीं, मुझे पता है कि ये मुश्किल है, पर प्लीज कुछ पल के लिए, बस 50-60 साल और, ये ज्यादा लंबा तो नहीं है आपके लिए? कुछ नहीं भगवान, बस मजाक कर रहा था, पर आपको तो ये पता होगा ना। और स्पाइडरमैन इस पल से हर दिन गुजरता है, वो बस गिव अप नहीं करना चाहता। ये कैसे दूसरे हीरोज, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो या फ्लैश, अपनी राह से भटक जाते हैं, वहीं अपना पीटर अपनी शुरुआत से लेकर अपने अंत तक, जो उसे पता है कि सही है, इस राह पे चलता है, चाहे उसे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का चांस ही क्यों ना मिले। इसीलिए तो सेलेस्टियल्स भी उसे सबसे मोरल वाला क्रीचर मानते हैं, और इसीलिए स्पाइडी ग्रेटेस्ट हीरो है।